2023 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। आज 26-27 तारीख के आसपास है, 31 तारीख को ये साल चला जाएगा। आपने क्या किया, ठीक है ना? आप वॉइस ओवर सीखना चाहते थे, आप एडिटिंग सीखना चाहते थे, आप सिंक्रोनाइजेशन सीखना चाहते थे, बट अभी तक आप घर में ही बैठे हुए हैं। घर में मत बैठो भाई, घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो, लोगों से मिलो। क्या क्या हो रहा है, आर्ट क्या कर रही है, परफॉर्मेंस क्या कर रही है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दो। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है? आपको मैं एक बात बताऊँ, आपकी एक रॉन्ग चॉइस आपका करियर ख़त्म कर सकती है। आपने एक माइक ऐसा ले लिया जो कि आपकी वॉइस के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है, आपका मोरल वहाँ से ख़त्म होगा, टेक्नोलॉजी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी आवाज़ को सही तरीके से लोगों तक पहुँचा नहीं सकेंगे। एक साउंड कार्ड अगर आपने गलत ले लिया, ऑडियो इंटरफेस आपने गलत ले लिया, तो वहाँ से भी आपका करियर ख़त्म हो सकता है। आपने जो कंप्यूटर बनवाया, वो कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर को, वो कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है आपके हार्डवेयर को, तो वहां से भी आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी एक गलत चॉइस आपका वो सपना, आपका वो करियर खत्म कर सकती है जिस सपने को आप बहुत सालों से देख रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वॉइस क्लासेस लेता आ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेता आ रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की क्लासेस लेता आ रहा हूँ। क्लासेस इन द सेंस यानी कि सेशंस होते चले जा रहे हैं। तो आप भी सेशंस में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिगनर बैच से आप आइए, बिगनर बैच से एडवांस लेवल पे आइए, एडवांस लेवल से फिर उसके बाद में आप कमर्शियल तरीके से आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या किसी एक बड़े शहर में जाने की आपको ज़रूरत हो, आप अपने घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। आप म्यूज़िक बना सकते हैं, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, आप फेसलेस वीडियोस बना सकते हैं, आप यू नो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक का काम कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हैं, एक ऐड आप बना सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लासेस जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है कि ये क्लासेस कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, कौन सी डेट से होंगे, इसकी फ़ीस क्या होगी, इसके सेशंस क्या होंगे, कितने टाइम पे होगा, वगैरह 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 सारी चीज़ें, तो इसके लिए आप मुझे 9559-2570 ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आप करिएगा ऑनलाइन कोर्स फॉर वॉइस ओवर, या जो भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी अगर आप लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, यहाँ से मैं रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बात बताऊँ, मैं ही रिप्लाई करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। टीम में जितने भी लोग हैं वो कुछ अलग काम करते हैं। ये जो क्लासेस सेशंस जो होते हैं ये मैं तभी करता हूँ जब मुझे पता होता है कि अगले 1-1.5 महीने तक मैं एक जगह पर स्टेबल होकर काम करूँगा। तो फिलहाल अभी फरवरी तक तो मैं लखनऊ में ही हूँ और लखनऊ से ही मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर करूँगा। तो अगर आप लोग को मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे 9559-2570-19 पर मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप करिएगा, उसका रिप्लाई आपके पास में आ जाए, एक वीडियो आपके पास में आएगा, उसकी डिटेल आपके पास में आएगी कि जैसे मैंने बताया है कि कब कहाँ आप कैसे शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कॉल पर भी एक बार बात कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको सिंक्रोनाइजेशन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में, डबिंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा। इतना सिखा दिया जाएगा कि एक स्क्रैच से, यानी कि जो लिखावट कागज़ पे लिखी होती है उसको डिजिटली कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि एक डॉक्यूमेंट्री लिखी कैसे जाती है, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसको वॉइस ओवर कैसे किया जाता है, उसके डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाया जाता है, पंच म्यूजिक कैसे लगाया जाता है, और एक वीडियो के ऊपर उसको कैसे पैच किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अगर एक ऐड बनाना हुआ तो वो ऐड कैसे बनाया जाता है, कमर्शियल ऐड, टीवी, रेडियो, सिनेमा, इन सब के ऐड कैसे बनाए जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये काम सीखना चाहते हैं, ठीक, या कोई भी काम आप सीखना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वॉइस ओवर का काम या टेक्नोलॉजी का काम ये डबिंग इंडस्ट्री में आप आएँ, कोई भी काम होता है वो सीखा जाता है, ऐसे ही नहीं कि बस हाँ ठीक है करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आप जब गाना गाते हैं तब आपको पता चल जाता है कि आप बेसुरे हैं, आप कंसुरे हैं। कंसुरा उसे कहते हैं जो जिसको कान से सुनाई नहीं देता कि वो बेसुरा है, और बेसुरा उसे कहते हैं जिसको पता होता है कि हाँ वो बेसुरा है लेकिन वो सीखना नहीं चाहता है। अगर आप सीखोगे तो डेफिनेटली 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल 10 साल जितने भी लगे आप सीख सकते हो, काम कर सकते हो। वैसे ही वॉइस ओवर का काम होता है, आपकी आवाज़ आपको लगती तो है कि बहुत अच्छी है
लेकिन क्या वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में मैच कर रही है? क्या लोगों तक कान पे सुनने पे उसको कैसा एहसास होगा? अगर आप पोइट्री करते हैं, अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, अगर आप वॉइस ओवर करते हैं, अगर आप एक ऐड बनाते हैं, आप सिनेमा के लिए काम करते हैं, आप रेडियो के लिए काम करते हैं, लेकिन आप काम करते क्या है, काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हाँ आप बेस्ट है और आपको सीखने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, तो ये गलत फहमी आप लोगों की है। आप लोग सीख सकते हैं। 9559250 पे कॉल करिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मेरी क्लासेस एक्टिव होने वाली हैं, जिसमें वही 10 से 12 टोटल लोग होंगे, 12 से ज़्यादा लोग एक बार में नहीं होंगे, और वो सीट जैसे ही फुल हो जाएगी आप, और उसकी कोई फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये बिगनर बैच है, और आप में से ही फिर जितने भी लोग प्रोफेशनल बैचेस की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। 5 सेशंस होते हैं इसमें, एक महीने की पूरी एक क्लास होती है, इसमें आप लोग डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, इसके बारे में तो डिटेल मैं आपको जो अलग से जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो उसमें मैं डेफिनेटली आपको दूंगा ही। कोई भी काम हो आपको सीखना पड़ेगा, वॉइस ओवर हो तो आपको समझना पड़ेगा कि एक माइक्रोफोन कैसे काम करता है और एक माइक्रोफोन से हमारी आवाज़ कैसे ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं है कि आपने माइक्रोफोन ले लिया, साउंड कार्ड ले लिया, आपने हेडफोन्स ले लिए, ऑडियो मॉनिटर्स ले लिए, स्टूडियो बना लिए, सारी चीज़ें कर ली और वहाँ से आप बिल्कुल सुपरस्टार बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 10 लाख रुपए का माइक्रोफोन ले लीजिए, अगर आपको बोलना नहीं आता है, आपको आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप सही तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें, आपके पास पॉजेस नहीं है, पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर जिसके पास ठहराव नहीं है तो वो फिर चाहे कुछ भी कर ले, टेक्नोलॉजी भी उसका काम नहीं आएगी। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माइक्रोफोन, एक होता है साउंड कार्ड, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये तीन चीज़ों से आपकी आवाज़ ट्रैवल करती है, ये हो गया टेक्नोलॉजी का पार्ट। लेकिन एक चीज़ होती है, होती है टेक्निक्स, कि आपको कोई शब्द को, किसी शब्द को कैसे बोलना है, किसी अल्फाज को किस तरीके से उसकी अदायगी है। अगर आपको वो नहीं मालूम है तो फिर आप टेक्नोलॉजी भी आपके लिए बेकार है और टेक्निक्स तो आपके लिए बेकार है ही। तो जितने भी लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बस इसी नए साल के फर्स्ट वीक में ही हम लोग बैचेस स्टार्ट करेंगे, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपना एडमिशन ले लीजिए, और क्या क्या डिटेल्स हैं उसकी डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो सीखना बड़ा ज़रूरी है, और मैंने भी अपने जो ज़िंदगी के जो काफ़ी सारे साल थे वो थिएटर को दिए, रंगमंच को दिए, एंड फिर उसके बाद में मैंने लोगों के पास जाके सीखा, उनसे बोला कि मैं सीखना चाहता हूँ। घर बैठे तो चीज़ें नहीं होंगी, मैंने घर छोड़ दिया था, मैं जब ये काम करना चाहता था मैंने छोड़ दिया था। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ की आबादी तकरीबन 26 करोड़ के आसपास है, 25 से 26 करोड़ के आसपास। मैं तो टारगेट कर रहा हूँ 2024 में इस 26 करोड़ तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा, इसका 0.8% भी अगर मैं यहाँ के लोगों तक पहुँच गया तो अच्छी खासी आबादी हो जाती है, 0.8% भी बहुत हो जाता है, 0.5%, 0.2% भी अगर, 0.25% भी अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो फिर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं जो लोगों तक पहुँचा हूँ वो बहराइच, कानपुर, हरदोई, संडीला, फिर उसके बाद में हरदोई तो है ही है, कानपुर जैसे मैंने आपको बताया वो जगह थी, यहाँ के लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ, वो लोगों तक नहीं जो डोर टू डोर, दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा हूँ मैं किसी का, मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ जहाँ से मुझे बिज़नेस मिलना है, जहाँ से मुझे वॉइस ओवर का बिज़नेस मिलना है, जहाँ से मुझे एड्स, कमर्शियल्स मिलने हैं। तो आप भी अपने घर के आसपास से काम शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत है, आप अपने घर से बैठे, घर के सराउंडिंग, घर के सराउंडिंग में अगर आपने 10 किलोमीटर का दायरा भी आपने बना लिया, मैंने तो बहुत बड़ा बना लिया, मैंने तो 100-150 किलोमीटर का मैंने दायरा बना लिया है, क्योंकि मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है ये काम कैसे होता है। अगर आपने 10-15 किलोमीटर का भी दायरा आपने बना लिया ना, तो आप अपने इस काम को शुरू कर सकते हैं, और 10-15 किलोमीटर तो आप वैसे ही घूमने के लिए निकल जाते होंगे, चाय पीने के लिए निकल जाते होंगे, अब की बार बिज़नेस तलाश करने के लिए निकलिएगा। तो जितने भी लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले से ज्वाइन करना चाहते थे, रीजॉइन करना चाहते हैं, और जितने भी लोग नए हैं इस वीडियो जो देख रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करिए 9559257019 पे, उसके बाद हम लोग आगे की कार्यवाही करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं हासिल होगा, घर में बैठे रहने से तो दोस्त कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, खुदा हाफिज़।